मैम अक्सर ये शिकायत रहती है लोगों को कि पानी पीने के तुरंत बाद भी कभी कभी और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के बावजूद ऐसा लगता है कि मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई ओरल प्रॉब्लम्स है, कोई डेंटल हाइजीन, दांत नहीं साफ रखना, ऐसी कोई समस्याएं हैं या कोई अन्य कारण है मुंह सूखने के? देखो, मुंह सूखना जो है वो कई कारण से हो सकते हैं। ये इसमें वन ऑफ द कॉमन कॉज जो है वो स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस कई तरह का है, अगर किसी को फिजिकल स्ट्रेस है या फिर किसी को मेंटल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, इस कारण स्ट्रेस की वजह से जो है पेशेंट के मुंह सूखने लगते हैं। अभी कोविड के टाइम में आपने देखा कई लोगों के फाइनेंस प्रॉब्लम है या फिर एग्ज़ाम्स जब बच्चों के आते हैं, एग्ज़ाम के समय में स्ट्रेस ले लेते हैं बच्चे, जिसकी वजह से मुंह सूखने की प्रॉब्लम समस्या आती है। कई पेशेंट इसकी वजह से आते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो न्यूरोलॉजिकल, अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें भी मुंह सूखने की समस्या आती है आमतौर पे। तीसरा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे मुंह में, वो मेन ग्लैंड होते हैं जो कि सलाइवा का सेक्रीशन करते हैं, जो लार हम जिसको बोलते हैं। तो जब भी लार की कमी मुंह में होगी उस कंडीशन में पेशेंट को ड्राइनेस फील होता है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर कई कारण से हो सकता है। अगर सलाइवरी ग्लैंड की एट्रोफी हो जाए, जो मेन तौर पे पैरोटिड जो हमारा सलाइवा सेक्रीट करता है, अगर उसमें कोई एट्रोफी होता है या फिर कोई ट्यूमर जो कैंसर हो जाए, उसकी वजह से मुंह में ड्राइनेस की समस्या आती है। जी मैम, कैसे समझे कि ये जो ड्राइनेस की समस्या है उसके लिए डॉक्टर को विजिट करना ज़रूरी हो गया है? देखो, पेशेंट के मुंह से अगर स्मेल आ रहा है, बार बार ड्राई मुंह सूख रहा है, तो डेफिनेटली ही शुड विजिट अ प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाए। वो एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग देखेंगे एंड डेंटिस्ट विल कम टू नो कि क्या इटियोलॉजी है। पेशेंट से काउंसिल करते, उनसे बात करते प्रॉपर हिस्ट्री के बाद एंड लोकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर बताएंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से, और वही उसका फिर उपाय ट्रीटमेंट देते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि सलाइवरी ग्लैंड में भी अगर कोई दिक्कत हो, मुंह में थूक अगर प्रॉपरली नहीं बन रही है, तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। हाँ। तो क्या कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है? हाँ, कई मेडिसिन है जो पेशेंट ले रहा है जिसकी वजह से भी ड्राइनेस आता है, बट मार्केट में आजकल बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है जो ड्राइनेस के अगेंस्ट काम करता है। फिर पेशेंट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट बॉडी को करते रहना है, ओरल कैविटी को मॉइस्ट रखना है, तो नींबू पानी वगैरह का भी उपाय कर सकते हैं। जी मैम, एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा होता है कि कोई अन्य बीमारियाँ किसी पेशेंट को हो जिसकी वजह से भी ये चीज़ हो रही है, चाहे वो BP की बात करें या शुगर की बात करें, तो ऐसा कुछ होता है? हाँ, कुछ सिस्टमिक डिजीजेज है जिसकी वजह से भी पेशेंट को मुँह सूखने की प्रॉब्लम आती है, तो वो देखना पड़ता है प्रॉपर हिस्ट्री पेशेंट के मेडिकल कंडीशन। इसलिए डेंटिस्ट जो है हमेशा हिस्ट्री लेते हैं कि आपको और कौन सी बीमारी है, जिसमें हम लोग रूल आउट करते हैं कि वेदर इट्स अ लोकल कॉज और बिकॉज ऑफ सिस्टमिक कंडीशंस पेशेंट को ये ड्राइनेस की समस्या आ रही है। किन बीमारियों में ज़्यादातर ये ड्राइनेस की समस्या देखी जाती है? देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम तो जितने न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पेशेंट को ब्रेन वाली प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रेस, माइग्रेन, बहुत सारी तरह की जो स्ट्रेस वाली दिक्कत है, उसमें पेशेंट को मुंह सूखने की समस्या ज़्यादा होती है। जी।